हिमाचल में प्रदेश कांग्रेस के साथ जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में आगामी दिनों में बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ ही जिला व ब्लॉक स्तर पर भी निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान ये बयान दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस विषय पर उन्होंने जिला तथा ब्लॉक कमेटियाँ की अध्यक्षों से रिपोर्ट मांगी है तथा जो पदाधिकारी निष्क्रिय होंगे और पार्टी के लिए कार्य नहीं कर रहे होंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा वर्तमान में चल रही है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। हालांकि बदलाव किस स्तर पर और किसके द्वारा किया जाएगा इसको लेकर संशय बना हुआ है, लेकिन पीसीसी चीफ राठौर के बयान के बाद अब चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है और गरमाने भी लगा है। ये बिल्कुल होगा। देखिए, मैंने जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को हिदायत दी है कि जो पदाधिकारी सक्रिय नहीं है उनकी सूची भेजें और ऐसे लोगों को हम शामिल करेंगे जो संगठन के लिए समय दे सकते हैं। जो पदाधिकारी तो बने हैं लेकिन संगठन के लिए काम नहीं कर रहे, तो मेरे तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि उन्हें खुद हट जाना चाहिए और अपनी जगह ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो पार्टी का काम करने की इच्छा रखते हो, क्योंकि अगला समय हमारा लड़ाई का है। हम बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे जिला के हैं, चाहे ब्लॉक के हैं। लड़ाई में जो साथ चलेगा उसे ही स्थान दिया जाएगा, जो लड़ाई से भागेगा उसको संगठन में खुद ही जो है घर बैठ जाना चाहिए। ये स्पष्ट था, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की एकजुटता बढ़ी है, हमारी सभाओं में जो है लोगों की भीड़ उमड़ रही थी और हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां बनी है, लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तंग हैं, समाज का हर वर्ग इनसे परेशान है और इनके शासन से निजात पाना चाहता है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की चारों सीटों पे जो है पराजय तय थी, इसलिए जानबूझकर ये चुनाव जो है टाले गए। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो नीतियाँ हो उसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है। एक तरफ से हिमाचल में जो चार उपचुनाव होने थे वो चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिए और ये कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से जो है चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है। अब चुनाव तो आपने स्थगित कर दिए, दूसरी तरफ आप जनमंच के कार्यक्रम जो है वो आप करा रहे हो और अभी यात्राएं निकल रही हैं, अभी आशीर्वाद यात्रा निकली, अब मुख्यमंत्री जी जो है स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रहे हैं, स्कूल आपने बंद कर दिए, बसों में आप कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा जो है सवारियां नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार जो है क्यों क्लियर नहीं है। विरोधाभास जो है बिल्कुल सामने जो है स्पष्ट रूप से जो है नज़र आ रहा है। अभी लाहौल स्पीति में पंचायती राज संस्थाओं के जो है चुनाव जो है होने जा रहे हैं, तो अगर आप लोकसभा और 3 विधानसभा के चुनाव आप टाल सकते हो लेकिन जो गतिविधियां हैं भीड़ तो आप फिर भी जुटा रहे हैं, तो ये सरकार की नीति जो है स्पष्ट नहीं। सर आप कह रहे हैं कि उपलब्ध कराया नहीं, क्योंकि अभी मेरी जो सूचना है बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी फर्स्ट डोज भी नहीं लगी, और दूसरा आप आधी अधूरी बधाई क्यों दे रहे हैं, अभी तो दूसरी डोज भी लगनी है ना। अच्छा।